بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تیسرا دن ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے لاکھوں اور کروڑوں عوام کے نمائندے وزیر اعلی ہاؤس اور سپیکر ہاؤس کے بیچ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. یہ حکومت کے لیے تو پریشان کن ہے, اس حکومت کے لیے تو باعث افسوس ہے, لیکن عوام کے لیے باعث خوشی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صوبہ خیبر پختونخوا کو ایسے بھی نمائندے دیے ہیں کہ اگر اسمبلی کے فلور پر عوام کے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں, عوام کے مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا ہے, مزید ہو رہا ہے تو پھر ایک اور آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا. وہ قانونی اور آئینی راستہ یہ ہے کہ احتجاج کے ذریعے نہ صرف خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, نہ صرف فاٹا کے عوام کا حل چاہتے ہیں, بلکہ پوری پاکستانی قوم کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. میں اس وقت فاٹا کے کچھ مسائل بیان کروں گا کہ یہ وہ مسائل ہیں جس کے حل میں موجودہ حکومت 100% ناکام رہی. کچھ تو وہ باتیں ہیں جو انضمام کے وقت فاٹا سے وعدے کیے گئے تھے کہ انضمام کے بعد ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. 10 سال تک ہم فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا کے برابر کی سطح تک ہم لائیں گے. میں وہ وعدے بھی یاد دلاؤں گا موجودہ حکومت کو کہ یہ وعدے کب پورے ہوں گے. فاٹا کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ AIP پروگرام کو شروع کیا جائے گا جس کے تحت فاٹا کو 10 سال تک سالانہ 110 ارب روپیہ دیا جائے گا. میں پوچھتا ہوں آج کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, فاٹا 220 ارب کا مستحق ہو چکا ہے, فاٹا 220 ارب کا مستحق ٹھہرا ہے کہ حکومت 220 ارب روپے فاٹا کو حوالے کر دے. یہ وہ وعدہ کیا ہے جو انضمام کے وقت فاٹا کے ساتھ ہوا تھا. میں پوچھتا ہوں کہ سالانہ 110 ارب تو بہت زیادہ پیسے ہیں, مجھے یہ حکومت 2 سالوں میں جو اسمبلی کے اور منتخب نمائندوں کے اسمبلیوں میں آنے کے بعد گزرے ہیں, صرف 10 ارب روپیہ بتایا جائے, صرف 10 ارب. 100 ارب روپیہ ٹھیک ہے یہ ان کا ہو, 220 ارب میں سے 10 ارب روپیہ بتایا جائے جو فاٹا کے ترقیاتی کاموں میں خرچ ہوئے ہوں. 5 سال تک ایک یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ 5 سال تک فاٹا کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے گا, لیکن افسوس ہے کہ آج بھی فاٹا میں جو کچھ
फैक्ट्रियां हैं या कुछ थोड़े बहुत लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कारोबार चलाए हैं, उस पर भी टैक्स लागू किया जा रहा है। फाटा के साथ वादा किया गया था कि इंजमाम के बाद हम 20,000 लेविस फोर्स की भर्ती करेंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो हमारी पहले से खासादार फोर्स थी, बेहतरीन, जो साल हर साल तक अपनी कौमों के लिए कुर्बानियां दी हैं, वो उनको भी बेरोजगार कर दिया। आज यहाँ पर हमारे साथ एहतजाज में शरीक हैं खैबर एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले खासादार फोर्स के जिम्मेदार। यहाँ 35 दिन सुबह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने भी इन्होंने धरना दिया है। अफसोस की बात है, आज हर ज़िले में फाटा से ताल्लुक रखने वाले हर एजेंसी और हर ज़िले में ये मसाइल हैं। वहाँ लिविस फोर्स को तनख्वाहें नहीं दी जाती है, खासादार फोर्स को तनख्वाहें नहीं दी जाती। कहीं पर क्या मसला है, कहीं पर क्या मसला, ऐसे सैकड़ों मसाइल है। 20,000 लेविस फोर्स देने की बजाय जो हमारे पहले से फोर्स थी उन्हें भी बेरोजगार कर दिया गया है। आज पूरी हकूमत के लिए, वफाकी हकूमत के लिए, सूबाई हकूमत के लिए इंतहाई शर्मनाक शर्म की बात है कि फाटा को इंजमाम से पहले फाटा के साथ वादा किया गया था कि हम यहाँ यूनिवर्सिटियाँ कायम करेंगे, यहाँ मेडिकल कॉलेज कायम करेंगे, न तो इन 2-3 सालों में, बल्कि गुज़िश्ता हकूमत भी पीटीआई की थी, न तो इन 2 सालों में कोई एक प्राइमरी स्कूल कायम हुआ। मैं अपने हलके की बात कर रहा हूँ, अपने ज़िले की बात, एक प्राइमरी स्कूल भी कायम नहीं हो सका। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, ये तो दूर की बात है। यूनिवर्सिटियाँ और यूनिवर्सिटी की ब्रांचें, ये तो दूर की बात है। कोई एक प्राइमरी स्कूल की तामीर भी वजूद में नहीं आई, बल्कि जो पहले से हमारे कॉलेज थे, सुनने में आ रहा है मेरे हलके में 1-2 कॉलेज हैं कि उन्हें भी ख़त्म करने की कोशिशें शुरू हो रही है, उन्हें भी ख़त्म किया जा रहा है। एक और इंसाफ कार्ड तो तकसीम हुए, कुछ लोगों को इंसाफ कार्ड तो मिले, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इंसाफ कार्ड लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर फिर रहे हैं, लेकिन उस कार्ड के जरिए इलाज की सहूलत उन्हें नहीं मिल रही है। कोई अस्पताल तैयार नहीं है कि उस कार्ड की बुनियाद पर सेहत की सहूलत, इलाज की सहूलत मुहैया की जाए। इस कार्ड का क्या फ़ायदा, ये तो आवाम के लिए और ज़्यादा परेशानी का बाइस बना है। खुद मुझसे कई दिल के मरीजों ने रब्ता किया कि हम कई अस्पतालों में ये कार्ड लेकर गए, तो वो अस्पताल वाले कहते हैं कि हमने तो पहले से इसके ज़रिए जो इलाज किए हैं उसका पैसा हमें नहीं मिल रहा है। इस वक्त फाटा की आबादी 60 से 70% रोड से महरूम है, और इसी तरह फाटा की आबादी 60-70% से बिजली से महरूम है। इतनी वसी आबादी फाटा की जो एक सूबे के बराबर है, सूबा इंशाल्लाह बनेगा। जिन लोगों ने पहले फाटा के इंजमाम में साथ दिया, वो भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये हमारी गलती थी, फाटा को सूबा बनना चाहिए। फाटा की तरक्की इसी में मुमकिन है कि उसे सूबा बनाया जाए। सूबे के बगैर फाटा को मजीद पसमानगी की तरफ धकेलना है, जो कि धकेला गया।
लेकिन हम फाटा के अवाम को तसल्ली देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमारी मेहनतें फाटा के सूबे बनने तक इंशाल्लाह जारी और सारी रहेंगी। वाह वो आवाम के मैदान में हो, वाह वो असम्बली के फ्लोर में हो, या वाह वो सुप्रीम कोर्ट में हो, ये फाटा का इंजमाम बाकी मसाइल के साथ साथ कि इसकी वजह से मसाइल बढ़े हैं, मसाइल बिगड़े हैं, इसके साथ साथ ये इंजमाम गैर कानूनी था, ये इंजमाम गैर कानूनी है जो खुद हमारी आईन और दस्तूर के मुताबिक और मुआफिक नहीं है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आने वाला है कि इंजमाम को मंसूख कर दिया जाएगा। आज हम पीटीआई की हकूमत को याद दिलाते हैं कि सूबह खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ वफाक में भी आपकी हकूमत है, पंजाब में भी आपकी हकूमत है। फाटा को एनएफसी अवार्ड में हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा है? फाटा को एनएफसी अवार्ड में हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये आपकी अपनी हकूमत की नालायकी का वाज़ह सबूत है और आपकी अपनी गवर्नमेंट में 100% नाकामी का वाज़ह सबूत है। आज सीपैक की बातें तो हो रही है, हर सूबे में किसी न किसी तरह सीपैक का कुछ न कुछ हिस्सा, सीपैक में कुछ न कुछ हिस्सा मिल गया। मैं अपने बाकी जो मेरे साथ अपोजिशन में शरीक पार्टियां हैं उन्हें भी याद दिलाना चाहता हूं और मौजूदा हकूमत को भी कहना चाहता हूं कि फाटा की ये वसी ज़मीन जो इंतहाई ज़रखेज़ी से और इंतहाई बेहतरीन ज़खायर से मालामाल है, सीपैक में फाटा को भी कनेक्शन दिया जाए। कुदरती तौर पर फाटा को अल्लाह तबारक व ताल ने हुसन व जमाल से नवाजा है, इंतहाई हसीन वादियाँ, दिल को मोह लेने वाले दिलकश पहाड़ियाँ, सैर सयाहों के लिए बेहतरीन मकामात। लेकिन अफसोस की बात है कि मौजूदा हकूमत की नाकामी के बाइस दुनिया फाटा के और खुसूसन वजीरिस्तान के उन दिलकश नज़ारों और दिल को मोह लेने वाले दिलकश पहाड़ियों के नज़ारों से लुत्फानंदोज़ होने से महरूम है। सुबरा खुशकिस्मत है यो पापा एटा मम्मा ने कमरे का दादा कमरे का एटा मम्मा जी पकल को हम फाटा के आवाम को भी याद दिलाना चाहते हैं कि जिस वक्त फाटा का इंजमाम हो रहा था उस वक्त मैदान में एक शख्सियत थी जिसने इस इंजमाम को बबांगे दुहल रद्द किया था और कहा था कि ये फाटा को मुस्तकबिल में भी पसमानदगी की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। लेकिन आज यकीनन फाटा के आवाम समझ गए होंगे कि फाटा की तरक्की सिर्फ और सिर्फ अपने अलग सूबे में ही मुजमर है। इंशाल्लाह हम हर वो आईनी और कानूनी रास्ता जो हमें आईन कानून इजाज़त देता है हम अपने इलाके की तरक्की के लिए और फाटा की तरक्की के लिए और फाटा को अलग सूबे के बनाने के लिए हर वो आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और इंशाल्लाह 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा इस हकूमत की ये मसनूई किश्ती में वो आखिरी कील साबित होगा जिसके बाद वो अपनी आप मर जाएगी और मौत वाके हो जाएगी। शुक्रिया।